गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेनली थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेशन। तो थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले अपने को क्लियर होना चाहिए, अपने को जो मेन जो कहते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट जो होता है फायरों का, वो हमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट होता क्या है फायरों का, वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एचएम जो अपना डायग्राम होता है, जो जनरल डायग्राम होता है किलन का, प्री हीटर का, और वो सब हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग थर्मल कैलकुलेशंस करते हैं तो जनरली हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम लोगों को किस तरीके सेविंग करनी है। तो जब भी हम लोग करते हैं, जैसे मैंने एचएमबी हीट एंड मास बैलेंस पढ़ाया था, तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि सिस्टम बाउंड्री का। सिस्टम बाउंड्री का मतलब होता है कि जिसके अक्रॉस आपको थर्मल बैलेंस करना है वो आप स्ट्रीम्स आइडेंटिफाई कीजिए। तो जनरली जब हम लोग थर्मल कैलकुलेशंस करते हैं, हमारी सेविंग कहां कहां आती है, हमारी प्रीहीटर आउटलेट में आती है। कहां आती है? प्रीहीटर आउटलेट पर आती है। तो प्रीहीटर आउटलेट में जो गैसेस निकलती हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना ज्यादा प्रीहीटर आउटलेट टेम्परेचर होगा, अगर मेरे जितना ज्यादा प्रीहीटर आउटलेट टेम्परेचर होगा उतना मेरा थर्मल लॉस जो है वो बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा प्रीहीट आउटलेट टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल लॉस बढ़ेगा। दूसरा, मेरा फॉल्स एयर की एंट्री, फॉल्स एयर की एंट्री अगर मेरी बढ़ेगी सिस्टम में तो मेरा थर्मल लॉस बढ़ेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सेस एयर, एक्सेस एयर, तो एक्सेस एयर भी होगा तो भी हमारा थर्मल लॉस बढ़ेगा। चौथा जो हमारा आता है वो होता है रेडिएशन लॉसेस, रेडिएशन लॉसेस। तो मेनली क्या है कि हम लोग इनके ऊपर कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब हमारी सिस्टम में एयर जाती है, ठीक है ना, वो एयर जाती है वो क्या इंपैक्ट करती है, वो हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो पहले तो हमारा जैसे कि कूलर है, अगर मान के चलो, अगर मेरे को पूरा सिस्टम को अगर मैं डिफाइन करूंगा वापस से, अगर मैं इसको वापस से डिफाइन करता हूं, अगर मैं सिस्टम बाउंड्री मान के चलो लेके चलता हूं पूरी ये, मान के चलो मैंने सिस्टम बाउंड्री ले ली इसके अक्रॉस पूरा, ये मैंने ये डॉट डॉट जो बना रहा हूं ये मेरी पूरी क्या होगी, सिस्टम बाउंड्री होगी। अब जब भी हमको मान के चलो, अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर मेरा कोल्ड कन्वेइंग एयर जो है बढ़ गया तो मेरा हीट लॉस कैसे बढ़ेगा, तो अब आपने सिस्टम बाउंड्री बना दी। अब कोल्ड कन्वेइंग एयर क्या है, यहां है, एक क्या है, इनपुट है, क्या है, इनपुट है। अगर मैं इस इनपुट को बढ़ाऊंगा कोल्ड कन्वेइंग का, तो मेरा जो किलो कैल पर केजी क्लिंकर जो है, किलो कैल पर केजी क्लिंकर, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं कैसे निकालूंगा। तो एक दिमाग में हमेशा थर्मल रूल रख लीजिए, जितना भी आप इनपुट में कोल्ड कन्वेइंग एयर बढ़ाओगे या प्राइमरी एयर बढ़ाओगे या फॉल्स एयर जाएगा सिस्टम में, जो भी एयर जाएगा, फॉल्स एयर जाएगा या कोल्ड कन्वेइंग एयर जाएगा, एक्सेस प्राइमरी एयर जाएगा, वो कहां से निकलेगा, आपका प्रीहीटर आउटलेट से निकलेगा। मतलब जो भी आप एक्सेस दोगे, एक्सेस जो भी कोल्ड कन्वेइंग का दोगे वो कहां से निकलेगा, ये रामबाण है इसके लिए, एक्सिस कोल्ड कन्वेइंग एयर मेरी कहां से निकलेगी, प्रीहीटर आउटलेट से निकलेगी। ऐसे ही मेरा जो एक्सिस एयर मैं दूंगा, फॉल्स एयर दूंगा, वो मेरी कहां से निकलेगी, वो भी मेरी प्रीहीटर आउटलेट से निकलेगी। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये फंडा होना चाहिए कि हमको अगर कोल्ड कन्वेइंग एयर को अगर मैं केजी एयर पर केजी क्लिंकर ले लेता हूं, अगर मैं केजी एयर पर केजी क्लिंकर ले लेता हूं, कैसे भी करके मैं निकाल देता हूं केजी एयर पर केजी क्लिंकर, या फॉल्स एयर भी अगर मैं केजी एयर पर केजी क्लिंकर मैं ले लेता हूं, ये मैंने बेस का कंसेप्ट जो है केजी क्लिंकर का वो मैंने एचएमबी वाले मॉड्यूल में बताया था। अगर मैं वो कैसे भी बताया कि केजी एयर पर केजी क्लिंकर, मैं कैसे फॉल्स एयर का, कोल्ड कन्वेइंग एयर का, प्राइमरी एयर का केजी एयर पर केजी क्लिंकर मैं निकाल दूंगा, तो वो मेरे को कहां मिलेगा, प्रीहीटर आउटलेट में मिलेगा। तो हमेशा अगर कोई तुमसे आपसे पूछे कि भाई मेरा कोल्ड कन्वेइंग एयर बढ़ गया,
अगर मेरा फेस डेंसिटी इंप्रूव हो गया है, मान लो मेरा फेस डेंसिटी का क्या कंसेप्ट था कि कितना हम लोग फॉल्स एयर, कितना एयर दे रहे हैं, कितना केजी कुल पर केजी है, तो अगर मेरा फेस डेंसिटी मैंने 2 से 4 कर दिया, 4 से 6 कर दिया, तो मेरा कितना सेविंग आएगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको केजी एयर पर केजी क्लिंकर निकालना है। अगर मान के चलो आपका फेस डेंसिटी 2 है, 2 मतलब 2.0 केजी कोल पर केजी एयर, मतलब 1 केजी एयर लग रही है 2 केजी कोल को कन्वर्ट करने के लिए। अगर सिमिलरली अगर मैंने 4 केजी कोल को 1 केजी एयर, तो मेरी क्या होगी, एयर की सेविंग हो गई। तो एयर की सेविंग कहां से निकलेगी, आपके प्रीहीटर आउटलेट से ही निकलेगी। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट, कि ये तो हमने देख लिया कि किलन में फॉल्स जा रही है, कोई भी जा रही है, तो प्रीहीटर आउटलेट से निकलेगी। अब इंपॉर्टेंट आता है कूलर का। अब जनरली क्या होता है कि कूलिंग एयर जो हमारी रिकमेंडेड रहती है, अगर मुझसे कोई पूछे कि कूलिंग एयर मेरी कितनी होती है, तो कूलिंग एयर के जो नॉर्म्स होते हैं जनरली 1.75 nm³ पर केजी क्लिंकर होता है। कितना होता है, 1.75, लेकिन ये किसके लिए होता है, ये होता है नॉर्मल कोल के लिए। नॉर्मल कोल का मतलब है जिसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट 20% से ऊपर हो, 20-25%, 30% तक में वॉलेटाइल कंपोनेंट हो, वो मेरा हो गया कूलिंग एयर के लिए कंसेप्ट। लेकिन मान के चलो मेरा पैट कोक है, तो पैट कोक में ये वैल्यू हो जाती है 0.080 nm³ पर केजी क्लिंकर। अगर मैं एएफआर में यूज करता हूं, तो एएफआर के लिए क्या होगा, एएफआर के लिए क्या होगा, 0.85 के आसपास nm³ पर केजी क्लिंकर चली जाएगी। तो जैसे जैसे मेरा वॉलेटाइल कंपोनेंट कम हो जाएगा, मेरा इनपुट कूलिंग एयर बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरा जो रिक्यूपरेशन एयर है, वो रिक्यूपरेशन जो मेरा नल पॉइंट है, वो कहां शिफ्ट होगा, मेरा टुवार्ड्स ईएसपी फैन होगा, ठीक है ना। तो वो मेरा कहां शिफ्ट होगा, टुवार्ड्स ईएसपी फैन होगा। अब नल पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नल पॉइंट जो हमारा जो डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो रिक्यूपरेशन एयर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रिक्यूपरेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द कोल, आप जैसे जैसे चेंज करते होगे, आपका रिक्यूपरेशन, आपका नल पॉइंट भी टुवर्ड्स ईएसपी चेंज रहेगा। दूसरा आप लोगों होगा, जैसे आप लोग पायर ऑप्टिमाइजेशन में डिटेल पढ़ेंगे, दूसरा मैं बता देता हूं कि अप टू हम लोग जो कूलर चलाते हैं, अगर हम लोग जो किलन का ऑपरेशन करते हैं, तो किलन का ऑपरेशन करते समय अपने को ये चीज रखनी है कि जो आपके अप टू रिक्यूपरेशन एयर है, मतलब अप टू जो नल पॉइंट है, इनके जो फैंस हैं, इनको आप मैक्सिमम चलाइए। क्योंकि आप जो मैक्सिमम चलाएंगे, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका जो बेड बनता है, क्योंकि आगे आपका क्या रहता है, स्टैटिक वेन्स रहती है, स्टैटिक वेन्स कह रहा हूं, स्टैटिक आपकी प्लेट्स रहती हैं हॉर्स शूज की, तो वो क्या करना है, आपका जो टावर प्रेशर होता है वो भी इसी से कनेक्टेड रहता है। तो आपका जो मैक्सिमम आप जितना भी दोगे कूलिंग ईयर अप टू रिक्यूपरेशन जोर, क्योंकि जो कूलर में जो रिक्यूपरेशन जोर, जो कूलर जो होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, अप टू नल पॉइंट होता है, अप टू नल पॉइंट के बाद क्या होता है, ये होता है कूलिंग जोन, ये मेरा हो गया कूलिंग जोन, और ये मेरा हो गया रिक्यूपरेशन जोन। तो रिक्यूपरेशन जोन हमारा क्या रहता है, कि हीट को रिकवर करने के लिए रहता है, कि हम लोग कितना मैक्सिमम रिकवर करते हैं। जब हमारा क्लिंकर फॉर्मेशन बन रहा है, जब क्लिंकर फॉर्मेशन हमारा प्रॉपर बन रहा है, जब हम लोग कूलिंग एयर का मैक्सिमम फ्लो रखेंगे, तो हमारा क्या है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगा और हमारी क्लिंग स्टेबल चलेगी और हमारा जो फ्लेम है वो शॉर्ट रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या रहता है, कि मान के चलो जब भी हम लोग किलन चलाते हैं, तो किलन चलाते समय हमको एक और पॉइंट ये याद रखना है कि कूलर लोडिंग का कंसेप्ट रहता है। क्या रहता है, कूलर लोडिंग का कंसेप्ट। तो जनरली क्या रहता है कि कूलर लोडिंग अगर आप 44 या 45 या 46 चला रहे हो, जितना डिजाइन है डिजाइन पे चला रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, और 54 तक आप हमने देखा है कि लोग चलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कूलर लोडिंग बढ़ाते जाओगे, आपका जो आउटलेट टेम्परेचर होगा क्लिंकर का, आपका जो आउटलेट टेम्परेचर होगा वो क्लिंकर का, वो बढ़ता जाएगा। क्या होगा, क्लिंकर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जनरली हम लोग कूलिंग एयर इतनी देनी चाहिए, जैसे अगर 1.75 nm³ हो, तो 0.75 मेरी क्या हो गई, रिक्यूपरेशन हो गई, और 1 मेरा क्या हो गया, कूलिंग एयर हो गई। तो हमको कूलिंग एयर आइडियली इतनी देनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आजकल कूलर लोडिंग को बढ़ाते चलाते हैं, उसके चक्कर में क्या रहता है कि हमारा क्लिंकर टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारा हीट लॉस बढ़ता रहता है। ये हम लोग जो डिटेल पढ़ेंगे पैरों का, तब है, लेकिन एक मैंने बेसिक बता दिया। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको किसी को कूलर बैलेंस करना हो, ये भी कवर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कूलर बैलेंस भी पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां वेंट एयर पे nm³ पर केजी क्लिंकर निकाल लेंगे और इसका ले लेंगे। तो जो अगर ये मैच कर गया, और मान के चलो ये बना आया 1.01-1.02 के आसपास आया, क्योंकि 5-6% आगे आती है आपकी एएसपी के अक्रॉस फॉल्स एयर होती है, तो उसका मतलब आपका जो मास बैलेंस है, आपका कूलर बैलेंस हो गया।
तो मैं कूलर बैलेंस क्यों बता रहा हूं, कूलर बैलेंस मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको डिटेल पढ़ना है तो मैंने हीट एंड मास बैलेंस में डाला है कि अगर मैंने दो, मेरा सिस्टम में दो तरीके की एक्सेस हेयर जाएगी, एक तो मैंने बोला कि कूल कन्वेइंग जाएगा या प्राइमरी हेयर जाएगी, फॉल्स हेयर जाएगी, वो मेरी कहां से निकलेगी, यहां जाएगी। अगर मैं कूलर पे, अगर मैं कूलर पे आफ्टर नल पॉइंट एक्सेस हेयर दे रहा हूं, क्योंकि आपने मान के चलो 1.9 दे दी 1.75 की, क्योंकि वो पॉइंट, क्योंकि आफ्टर नल पॉइंट जितनी खोल को, जितना फ्यूल को एयर चाहिए जलने के लिए वो उतना ही एयर लेगा, ये समझ लो। ये नहीं है कि अगर आपने 1.75 है तो वो 1.75 चाहिए, आपने 1.9 दी तो जो एक्स्ट्रा आपने 1.15 दी वो कहां जाएगी आपकी, टुवर्ड्स कूलर ईएसपी में जाएगी। तो फिर अब टुवर्ड्स कूलर ईएसपी में जाएगी तो आपका क्या होगा, आपका जो कूलर लॉसेस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा यहां पर जितने भी टेम्परेचर, तो कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि हमको जितना आइडियली एयर चाहिए उतना ही एयर दें। जो कूलर की एक्सेस एयर वो कहां जाएगी, कूलर वेंट एयर से जाएगी, और जो कोल्ड कन्वेइंग और प्राइमरी एयर और जो हम लेंगे वो मेरी उससे जाएगी। अब जनरली जो कूलर ईएसपी फैन होता है, कूलर ईएसपी फैन हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए डिजाइन होता है। इसका क्यों होता है कि मान के चलो हमारा किलन डस्टी हो गई, जब किलन डस्टी होगी तो क्या होगा, मेरे को बताओ क्या होगा, जब किलन डस्टी होगी जितनी भी आप इनपुट कूलिंग एयर दोगे वो मैक्सिमम कहां जाएगी, आपकी कूलर ईएसपी फैन में जाएगी, क्योंकि डस्ट बनेगा और डस्ट बनने के बाद आपका हीट ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो पूरी की पूरी एयर आपकी यहां चली जाएगी। अभी क्या होता है जब क्लिंकर बनते हैं तो क्लिंकर के वक्त में क्या होता है कि आपकी जो सेकेंडरी एयर टेम्परेचर बनता है, सेकेंडरी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सेकेंडरी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बायोन्सी का जो फोर्स होता है वो उसको टुवर्ड्स किलन और टर्सरी एयर की तरफ खींचता है, रुकते प्रेशर में रखो। लेकिन जब आपका कूलर पे जब आपका डस्ट फॉर्मेशन होगा तो आपका मैक्सिमम कहां जाएगी, कूलर ईएसपी फैन के लिए जाएगी। तो जब भी हमारा जो कूलर ईएसपी फैन होता है वो हम लोग मैक्सिमम के लिए डिजाइन करते हैं कि वर्स्ट कंडीशन में वो तब चलता है जब आपका किलन पूरी डस्टी कंडीशन में आ जाती है। तो ये तो मैंने इसलिए कवर कर लिया कि कूलर की हमारा जो लॉस है। अब क्या आता है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब मान के चलो इसमें प्रपोजल क्या क्या बनते हैं मैं बताता हूं कि जैसे अगर आपको थर्मल ऑडिट करना हो किलन का, तो सबसे पहले तो अपना ये हम लोग देखते हैं कि हमारा इसके क्रॉस हम लोग ये निकालते हैं कि हमारा टेम्परेचर ड्रॉप कितना होता है। जनरली हमारा टेम्परेचर ड्रॉप 40 से 50 डिग्री जैसे कि अगर मान के चलो मैंने ये मेरा हुड एरिया है, यहां पर मैंने मेरे टीएडी का मैंने एक थर्मोकपल लगवाया, यहां मैंने टेम्परेचर ले लिया, मेरा आ रहा है 1050 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, और यहां पर मैंने जहां पीसी इनलेट पे मेरा आ रहा है 950 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आ रहा है 950 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या है जब कूलर टीए हुड पे मेरा जो टेम्परेचर आ रहा है वो 1050 आ रहा है, ठीक है ना, और मेरा जो पीसी इनलेट पे कितना टेम्परेचर आ रहा है 950 का आ रहा है। जब मैं दोनों का डेल्टा टी ले रहा हूं, अगर मैं दोनों को डेल्टा टी लूंगा, अगर मैं पीसी पीसी इनलेट माइनस जो टीएडी का इनलेट है वो मेरा कितना डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है 1050 माइनस 950, वो आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेकिन हमारा जो टारगेट रहता है, जो टारगेट वैल्यू रहती है, टारगेट वैल्यू कितनी रहती है हमारी 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। अगर आप मान के चलो बहुत अच्छे प्लांट होंगे तो आप 40 भी मान सकते हो, कहीं की जगह 30 मिलता है, लेकिन 40 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब मेरा लॉस कितना हो रहा है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड का लॉस हो रहा है। अब ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या है अपॉर्चुनिटी, है कि इस 60 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग, अब ऊपर से आता है कि इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करें। अगर मान के चलो मेरा 60 डिग्री सेंटीग्रेड लॉस हो रहा है, अगर आपसे कोई मैनेजमेंट पूछता है कि आप इसका कैसे कैलकुलेशन करके बताएंगे कि अगर मेरा 60 डिग्री सेंटीग्रेड लॉस हो रहा है तो उससे मेरी कितनी थर्मल सेविंग आती है। जनरली ये लॉस के जो रीजन होते हैं, दो रीजन होते हैं, आइदर आपकी जो यहां पर रिफ्रैक्टरी है वो खत्म हो गई है टीए की, बहुत टर्सरी जो टीएडी तक की, या आपका जो बक्से ज्यादा लगे हैं, बक्से ज्यादा बनने से क्या होगा, फॉल्स एयर का जो वॉल्यूम है कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली आपका ये है। तो इसकी हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे। दूसरा इसमें आता है प्रपोजल कि हमारा जो ऊपर वाला जो गैसेस जा रही है, गैसेस जाती है कहां से जाती है, टॉप साइक्लोन से जाती है, तो टॉप साइक्लोन की मान के चलो एफिशिएंसी कम है,
जब हमारी टॉप साइक्लोन की एफिशिएंसी कम होगी तो क्या होगा, तो हमारा जो रिटर्न डस्ट का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा आउटलैंड में, तो वो रिटर्न डस्ट भी क्या करेगा अपने को हीट लॉस देगा, तो उसकी कैलकुलेशन बढ़ेंगे। तीसरा हमारा था कोल्ड कन्वेइंग एयर, कोल्ड कन्वेइंग एयर हम लोग ज्यादा डाल रहे हैं, हमारा मतलब फेज डेंसिटी क्या है हायर साइड है तो उससे निकलती है। चौथा जो हमको सबको बताया कि फॉल्स एयर जो एक्सेस में रहेगा उससे भी हमारी थर्मल सेविंग निकलती है। पांचवा क्या है कि कूलर में अगर हम लोग एक्सेस एयर देंगे तो भी हमारा थर्मल लॉस है। तो मैं एक दो कैलकुलेशन आपको बताता हूं और फिर जब हम लोग पायरो ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे और कैलकुलेशन, तो एक दो कैलकुलेशन बताता हूं कि हम लोग जब उसके कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन को स्टडी करते हैं, कैसे करते हैं कैलकुलेशन। अब देखो कैलकुलेशन करने के लिए अपने को क्या क्या करना है, क्या क्या करना है वो बताता हूं आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जब हमको कैलकुलेशन करनी होगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टेम्परेचर ड्रॉप निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग टेम्परेचर ड्रॉप, तो मेरा टेम्परेचर ड्रॉप कितना है डेल्टा टी कितना है 1050 माइनस 950, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा क्या होगा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरा टारगेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए 40, तो मैं अपॉर्चुनिटी कितनी बची 100 में से 60 डिग्री की, ये मेरी क्या होगी अपॉर्चुनिटी हो गई। अब क्या करना है मेरे को जो हीट का लॉस का जो सिंपल फॉर्मूला होता है एन इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। अब क्या है इसमें एन क्या लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं जैसे कि मान के चलो मेरा ये पैटकॉक था तो मेरी रिक्यूपरेशन एयर कितनी थी, मेरी जो रिक्यूपरेशन एयर थी वो थी मेरी 0.80 एनएम क्यू पर केजी ट्रिंकर, ठीक है ना, ये मेरी रिक्यूपरेशन एयर थी। अब क्या करूंगा हम लोगों ने जो हमारा फ्यूल कंजप्शन है हमने मान लिया 60% मेरा जो आपका लग रहा है 60% आपका कैल्सेनर में लग रहा है और 40% आपका किलन में लग रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 0.60 इंटू 0.80 एनएम क्यू पर केजी किंग कर है, लेकिन ये एनएम क्यू पर एयर जो है मेरी ये एयर है, ठीक है ना, लेकिन इसको मैं केजी पर केजी किंग किंकर करने के लिए अगर 1.29 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई 0.60 इंटू 0.80 इंटू 1.29 केजी एयर पर केजी किंकर, आई कि नहीं आई। अब इस वैल्यू को मैं क्या लगा दूंगा एन की जो वैल्यू आई है इक्वेशन मान के चलो फर्स्ट इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहां डाल दूंगा, ठीक है ना, इनटू स्पेसिफिक हीट, जो भी स्पेसिफिक हीट होगी इसकी एयर की वो आप ले देना, तो स्पेसिफिक हीट एयर की जो भी होगी किलो कैल पर केजी डिग्री सी इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा इसमें 60 माइनस रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर मैंने मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 60 माइनस 0, तो अगर मैं मान के चलूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्या होता है कि स्पेसिफिक हीट जो हम लोग निकालते हैं वो एक्सेल शीट से निकालते हैं, हम लोग ए बी सी की जो वैल्यूज होती हैं उसमें हम लोग डालते हैं, इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा ये केजी किंकर से केजी किंकर कर दिया किलो कैल, सॉरी केजी एयर अपना ये है एमसीपी डेल्टा डी, तो मेरा आएगा किलो कैल पर केजी किंकर मेरा आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो किलो कैल पर केजी है तो केजी से केजी यूनिट कट जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड से आएगी तो जो वैल्यू आएगी किलो कैल पर केजी के अंकर आ जाएगी। तो इससे हम लोग निकाल दिया हमने थर्मल एफिशिएंसी, मान के चलो ये वैल्यू आ रही है 10 किलो कैल पर केजी के अंकर, क्या आ रही है 10 किलो कैल पर केजी के अंकर। अब इसमें आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं कि अगर हमको कैलकुलेशन करनी है, मान के चलो या मैंने भी ये तो कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेटर लिया नहीं है, मान के चलो ये वैल्यू आ रही है मेरी कितनी आ रही है 10 किलो कैल पर केजी क्लिंकर, इसको टन में निकालना कोल की एक कि भाई आपका जो कोल है उसमें कितना लॉस हो रहा है वो अगर मैनेजमेंट पूछता है तो वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं, उसका भी मेथड पढ़ते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछिए, ठीक है ना।
अब देखो, अब ये मेरा किलो कैल पर केजी क्लिंकर मेरा मान के चलो 10 आ रहा है कैलकुलेशन से, 10 किलो कैल पर केजी क्लिंकर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा एक दिन में पर केजी क्लिंकर में मेरी 10 किलो कैलोरी लॉस हो रही है। अब हमारे एनसीबी दी है कोल की, मान के चलो एनसीबी और कोल मेरे को दी गई है 7700 किलो कैल पर केजी कोल, ठीक है ना, क्या है किलो कैल पर केजी कोल, मतलब इतना एक केजी कोल को मैं जलाता हूं तो मुझे 7700 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है पर केजी क्लिंकर दिया है। तो मान के चलो मेरा जो दिन में वन डे में जो क्लिंकर प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है 5000 TPD, मतलब 5000 टन पर डे। तो अब क्या करना है मेरे को निकालना है 5000 TPD में दिया है, क्या दिया है 5000 TPD टन पर डे, मतलब एक दिन में मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 5000 टन का। अगर कोई मुझसे पूछा 24 घंटे में कितना हो रहा है तो 5000 / 24 कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा इतना टन इतना। अब मेरे को केजी में निकालना है तो 5000 / 24 × 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो केजी जो टन पर आवर था वो किस में आ गया, केजी पर आवर में आ गया। तो मेरा जो एक घंटे में जो क्लिंकर प्रोडक्शन हो रहा है ये मेरा हो रहा है। अब पर केजी क्लिंकर के लिए मेरे को कितना दे रहा है 10 किलो कैलोरी। अब मेरा कितना क्लिंकर बन रहा है एक घंटे में इतना, तो अगर मैं 10 किलो कैलोरी इंटू 5000 / 24 × 1000 कर दूंगा तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी मेरी, एक घंटे में जो मेरा किलो कैलोरी लॉस होगा वो आ जाएगा। अगर आपने 24 को हटा दिया तो वो मेरा क्या आ जाएगा, इतना किलो कैलोरी का लॉस आएगा। अब क्या है कि ये मेरा किलो कैलोरी के मिलने जो भी लॉस आएगा अब मेरे को कोल कंजप्शन निकालना है। तो कोल कंजप्शन कैसे निकालूंगा मैं, कोल कंजप्शन, तो कोल कंजप्शन निकालने के लिए बताओ, तो कोल कंजप्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 7700 × Q, मतलब जो कोल कंजप्शन है अपना और जो एनर्जी की वैल्यू है यहां से सेकंड, इसको इसके इक्वल रख देंगे। तो इसको जब 7700 को जो भी वैल्यू आएगी किलो कैलोरी की उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, केजी कोल में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग केजी कोल पर कंजप्शन निकालते हैं। अब हमको कई बार क्या होता है कि हमको एमकेएल में कॉस्ट निकालनी होती है। एमकेएल का मतलब है कि जैसे कि हमारी जो कॉस्ट है ₹1100 MKL है, ठीक है ना, या 1200 MKL है, वो निकालना है। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग वो निकालते हैं कॉस्टिंग से। कॉस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग कोल की, हम लोग पैट का परफॉर्म होता है, एक दिन मैं पैट का बारे में बताऊंगा फॉर्म SB क्या होता है। तो पैट में क्या रहता है कि जो हम लोग एंट्रीज डालते हैं, जो हमको कोल मिलता है रिसीव करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग होती है। उसकी कॉस्टिंग से हम लोग क्या करते हैं, थर्मल कॉस्ट जो होती है कोयल की, फ्यूल की हर प्लांट में एक थर्मल कॉस्ट होती है। तो वो थर्मल कॉस्ट निकलती है हमारे पैट के फॉर्म में, जो हम लोगों को जो भी कोल रिसीव होता है ना साइट पे, उससे हम लोग थर्मल कॉस्ट निकालते हैं रुपए में। तो ये जो अपना मोटा मोटा कोल कंजप्शन अपना निकल गया। अगर आपको ग्राइंडिंग कॉस्ट पता है पर टन की, जैसे आप ग्राइंडिंग कॉस्ट मान के 16000 है या 20000 है पर टन के लिए, जो भी ग्राइंडिंग कॉस्ट है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या था, एक मेथड था आपका कि थर्मल एफिशिएंसी जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसका कंसेप्ट क्या क्या है। अब मैं एक और सवाल लेता हूं कि मैं कोल कन्वेइंग एयर का ले लेता हूं। अभी तो मैंने इसका बता दिया कि ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग थर्मल एफिशिएंसी। अब हम लोग एक और पढ़ते हैं एक्सेस एयर का। तो एक्सेस एयर का पढ़ते हैं क्या, ये पायरो का बहुत छोटा सा टॉपिक है, जब पायरो ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत छोटा पॉइंट है, अभी तो पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें क्या है कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल लेते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सेस एयर लेंगे। अब एक्सेस एयर से कैसे निकलेगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा मान के चलो किलन है, किलन इनलेट पे हमारा ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन परसेंटेज चल रहा है मेरा 3%, ठीक है ना।
अब मान के चलो इसको मैंने कर दिया 4%, तो एक्सिस शेयर कैसे होगी मेरी अगर मेरे को, तो हम लोग जब निकालते हैं अगर मान लो 3% पे हम लोगों ने एक्सिस शेयर निकाली, तो एक्सिस शेयर का एक फॉर्मूला होता है O2 डिवाइडेड बाय 21 माइनस O2, उससे भी निकाल सकते हैं, तो O2 डिवाइडेड बाय 21 माइनस O2 इंटू 100, ऐसे इसका निकालेंगे तो इसका भी होगा 4 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 इंटू 100। तो एक्सिस शेयर में हम लोगों दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब इससे हमारा इतना एक्सिस शेयर है, इन दोनों को इतना आ रहा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा एक्सिस शेयर आ जाएगा। लेकिन हमको कैलकुलेशन नहीं देखना, हमको ये देखना कि कंसेप्ट क्या है। एक और कंसेप्ट लेते हैं हम लोग, जैसे कि कोल कन्वेयर का ले लेते हैं। कोल कन्वेयर का क्या है, ज्यादा प्रैक्टिकल है जो यूज करते हैं हम लोग। कोल कन्वेयर में मान के चलो आपकी जो कैल्साइनर का जो कोल दे रहे हैं, आप कैल्साइनर का जो कोल दे रहे हैं उसकी जो कन्वेइंग एयर है वो है आपकी जो उसको कहते हैं कन्वेइंग की जो फेज डेंसिटी है वो है आपकी 2.0 केजी कोल पर केजी एयर, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इसको करना है 6.0 केजी कोल पर केजी एयर, ठीक है ना। तो हमको बढ़ानी है, तो हम लोग जब सिस्टम में केजी एयर मतलब 1 केजी एयर में पहले हम लोग 2 केजी कोयला ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, अब 1 केजी एयर में हम लोग 6 केजी कोल कर रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि इसकी आप सेविंग निकालो, तो इसकी हम लोग सेविंग कैसे निकालेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हमने पर केजी अगर हमारी मान के चलो जो फेज डेंसिटी 6 हुई और 2 हुई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया वो हम लोग देखेंगे। मेरा मान के चलो पहले ब्लोअर का जो वॉल्यूम था, मेरा जो ब्लोअर का जो वॉल्यूम था, ठीक है ना, वो 6000 था एफईडी बेसिस पे। एफईडी का मतलब फ्री एयर डिलीवरी, मतलब वो 6000 मीटर क्यूब पर आवर पे ले रहा था, ये एनएम क्यूब पर ले लो, एफईडी है ना, तो 6000 एनएम क्यूब पर ले लो। अब मैंने जो डायमीटर इसका कहते हैं डायमीटर चेंज करके इसको कर दिया मैंने 3500। तो जनरली क्या रहता है कि जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एक कन्वेइंग वेलोसिटी भी होती है, क्या होती है, कन्वेइंग वेलोसिटी भी होती है। तो कन्वेइंग वेलोसिटी जो जनरली हमारी रहती है वो हम लोग ये अपर 23 से 25 मीटर पर सेकेंड या 26 मीटर पर सेकेंड तक जा सकते हैं जनरल कोल के लिए, और पैट कोक के लिए हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड तक भी जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायमीटर छोटा करके अमाउंट क्या करते हैं एयर का जो है ना, अगर मान के चलो मेरे को मैंने मान लो जो मेरा डाया बड़ा था इसको मैंने छोटा करके उतना ही वेलोसिटी मेंटेन करके हम लोग कर रहे हैं, तो जो मेरा 6000 एफईडी था अब वो मेरा कितना हो गया 3500 एफईडी हो गया। तो हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको ये निकालना पड़ेगा कि जब मेरा 6000 एफईडी था तो हम लोग पहले तो उसको क्या कर देंगे केजी एयर में, इसको केजी एयर में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी एयर में कन्वर्ट करने के लिए अगर मान लो ये मीटर क्यूब पर आवर में दिया तो हम लोग 1.12 मान के चलो उसकी डेंसिटी है वहां पे, तो 6000 इंटू 1.12 जो भी आएगी वैल्यू मान के चलो 7000 कुछ आया, तो ये मेरा आ गया केजी पर आवर में। अब हम लोग क्या करेंगे इसको केजी पर केजी क्लिंकर निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे जो क्लिंकर जो प्रोडक्शन होगा टीपीएस में मान के चलो 250 टीपीएस हो रहा है तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया केजी एयर पर केजी क्लिंकर आ गया, ठीक है ना। अब सिमिलरली जब मेरा 3500 हुआ तो 3500 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 1000, तो ये मेरा केजी एयर पर केजी क्लिंकर है। अब क्या करेंगे इसका इसका मान के चलो केजी पर केजी क्लिंकर का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.20, तो 0.20 जो भी आ रहा है 0.02 आ रहा मान के चलो 0.020 आ रहा है, तो ये 0.020 का जाएगा प्लेट आउटलेट में आका मान लो 280 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है और स्पेसिफिक हीट 0.2 है, तो ये मेरा क्या हो गया हीट लॉस मेरा बच गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमको एक्सेस एयर का आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा केजी एयर पर केजी क्लिंकर निकालना पड़ेगा दोनों सिचुएशन में, जब हमारा एयर वॉल्यूम जैसे अगर प्राइमरी एयर है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मैं लो नॉक्स बर्नर लगा रहा हूं
इन सारी जो कैलकुलेशंस को मैंने आज मैंने ऐसे रफली आइडिया दे दिया, लेकिन जब मैं पीपीटी में बनाऊंगा तो मैं डिटेल में कैलकुलेशन डालूंगा, तो आप ज्यादा इसके अंदर ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि सर ने पूरा जनरली बता रहे हैं। दूसरा क्या है कि अपने को बस कंसेप्ट ये समझना है कि जब हम लोग एक्सेस एयर लेंगे, एक्सेस एयर लेने से हमारा फायदा हमको क्या चीज मिलेगी कि हमको केजी पर केजी की इंकर निकालना, इनिशियल कितना था जो हमने रिड्यूस किया है वो केजी, और दोनों का जो केजी पर केजी की इंकर का जो डिफरेंस होगा वो कहां मिलेगा, प्रीहीटर आउटलेट टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा हीट लॉस में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। इसके तीन चार न्यूमेरिकल्स और है, लेकिन जब मैं पीपीटी में दूंगा तो उसमें तब समझाऊंगा डिटेल कैलकुलेशन, तो क्योंकि क्या है ना अभी क्या है कि ज्यादा पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उसमें जब मैं जो पायरा प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन लूंगा तो उसमें दोबारा से इसको कवर करूंगा सारे न्यूमेरिकल्स को और डिटेल में लेंगे, तो फॉसिल का लेंगे, टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी का लेंगे, प्रीहीटर का ऑडिट कैसे करते हैं, अगर मान के चलो आप प्रीहीटर जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज देखनी चाहिए प्रीहीटर के अंदर वो देखेंगे, किलन ऑपरेशन के बारे में देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। तो वो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।